दिल्ली में एमसीडी चुनाव से पहले कूड़े को लेकर आम आदमी पार्टी ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय के द्वारा मामले का जिक्र करने के बाद आम आदमी पार्टी ने इसे दिल्ली के लिए बड़े मुद्दे की तरह पेश करना शुरू कर दिया है। दिल्ली में मौजूदा 3 बड़े कूड़े के पहाड़ों के बाद अब 16 और नए पहाड़ का जिक्र होना आम जनता के लिए किसी शौक से कम नहीं है। ऐसे में अब आम आदमी पार्टी को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली में जहां जहां कूड़े के पहाड़ हैं, वहां लोगों की जिंदगी नर्क बन गई है, और अगर बीजेपी की ये साजिश सफल हुई तो 16 नए कूड़े के पहाड़ पूरी दिल्ली को बर्बाद कर देंगे। उन्होंने कहा कि दुनिया भर के शहरों में कूड़े के प्रबंधन का काम चल रहा है, लेकिन दिल्ली की बीजेपी शासित एमसीडी अनूठी है, जो दिल्ली से कूड़ा खत्म करने के बजाय कूड़ा बढ़ाने पर काम कर रही है। इन तीनों कूड़े के पहाड़ों की जो स्थिति है, 15 साल में जो इस कूड़ा का चमत्कार पैदा किया भाजपा ने, मैं केवल 2-3 आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला है भलसवा का कूड़े का पहाड़, जिसमें 90 लाख टन अनुमानित कूड़ा आज है। उस 90 लाख टन के कूड़ा जो वर्तमान में है, उसमें 4000 टन कूड़ा डेली आता है, और उस 4000 टन कूड़े में से अभी तक जो 15 साल में इंतजाम कर पाए उसके हटाने का, उसके हिसाब से 2500 प्रोसेस कर पाते हैं, यानी 1500 टन कूड़ा डेली एक्सेस हो रहा है। जो 90 लाख टन कूड़ा है वो तो है, 1.5 लाख टन सारा जो प्रोसेस किया उनका जो तामझाम है, उसके बाद डेली पर डे 1500 टन कूड़ा डेली वहां पर ऐड हो रहा है। गाजीपुर जो लैंडफिल साइट है, उसकी भी कहानी इसी तरह की है। 1.5 लाख टन सबसे बड़ा कूड़े का पहाड़ दिल्ली का गाजीपुर का है, 1.5 लाख टन का कूड़ा वहां पर ऑलरेडी है, उसमें 5000 टन कूड़ा डेली ये डालते हैं, और उस 5000 टन कूड़े में से 2500 टन का प्रोसेसिंग होती है, और 2500 टन डेली कूड़ा वहां एक्सेस हो रहा है, एडिशनल जुड़ रहा है, यानी 1.5 लाख टन कूड़ा जो परमानेंट है उसमें भी लगातार 2500 टन कूड़ा जुड़ रहा है। तीसरा जो कूड़े का पहाड़ है वो ओखला का है, उसमें 60 लाख टन ये छोटा पहाड़ है, उसमें 2500 टन डेली कूड़ा आता है, 1500 टन प्रोसेस होता है, 1000 टन डेली उसमें ऐड होता है। गाजीपुर लैंडफिल साइट के आसपास रहने वाले कूड़े के पहाड़ से सबसे अधिक परेशान हैं। यहां आसपास रहने वाले लोगों की माने तो तकरीबन 2 दशक से इस इलाके का यही हाल है। विधायक आतिशी ने कहा कि पिछले 15 साल से दिल्ली नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इन सालों में बीजेपी शासित एमसीडी ने दिल्ली को कूड़ा कूड़ा करने का तोहफा दिया है। दिल्ली के लोग जब घर से बाहर निकलते हैं तो उन्हें सब जगह सिर्फ कूड़ा ही कूड़ा दिखाई देता है। दिल्ली में जब कोई ट्रेन, बस या फिर गाड़ी आती है तो बीजेपी के कूड़े के पहाड़ों से उन्हें पता चल जाता है कि वो दिल्ली में घुस गए हैं। कुतुब मीनार के बराबर ऊंचा 10 किलोमीटर तक बदबू फैलाने वाले और मंडराती हुई हजारों चीले यहां आने वाले लोगों का दिल्ली में स्वागत करती हैं। जब पूरब दिशा से आते हैं तो गाजीपुर और दक्षिण से आने वालों का ओखला का कूड़े का पहाड़ स्वागत करता है। दिल्ली में हर एक दिन घरों से निकलने वाले तकरीबन 10,000 मैट्रिक टन कूड़ा 4 जगहों पर इकट्ठा किया जा रहा है, जिसमें से 3 जगहों पर कूड़े का पहाड़ खड़ा हो गया है। अब 16 और नए कूड़े के पहाड़ों का जिक्र दिल्ली के लोगों को परेशान करने के लिए काफी है, क्योंकि जिनके इलाके में ये पहाड़ हैं उनका जीना मुश्किल हो गया है। सवाल ये भी है कि आखिर यहाँ का कूड़ा किसी और शहर तो भेजा नहीं जा सकता। ऐसे में एमसीडी और दिल्ली सरकार को मिलकर ही इसका हल ढूंढना पड़ेगा। दिल्ली से सुमन कुमार की रिपोर्ट।